जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, सबसे पहले चिंतपूर्णी मां को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये देवभूमि में स्थित सभी देवी देवताओं को घसोतेश्वर महादेव मंदिर, माता नैनो देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ का स्थान, ये सभी स्थित स्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 5 चरण का चुनाव हो चुका है, आज 6ठे का वोटिंग चालू है। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310। और एक 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। तो भाइयों बहनों, 400 पार की जिम्मेदारी किस पर है? ये 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना। भाइयों बहनों, हमारा तो 400 पार हो रहा है, राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं, 40 के। और हमारे 3 विधानसभा के प्रत्याशियों को जिता दो, यहां पर भी कमल फूल की सरकार बनेगी। बनानी है या नहीं बनानी है? जोर से बोलो, बनानी है या नहीं बनानी है? अगर कमल फूल की सरकार बनानी है, ऊपर और नीचे दोनों जगह हमारे चारों प्रत्याशियों को जिताना है, ये याद रखना। भाइयों बहनों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब हमीरपुर वालों को एक बात कहना चाहता हूं। मैं देश भर में अनेक जगह पे सभा करने जाता हूं, तब कहते हैं कि अमित भाई, हमारे सांसद को मंत्री बना देना, सारे देश भर में कहते हैं। मगर हमीरपुर वालों, मोदी जी ने आपको बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। अनुराग भाई को मैं सालों से जानता हूं, युवा मोर्चे में मैं राष्ट्रीय अध्यक्षता मेरे साथ काम किया, क्रिकेट एसोसिएशन में काम किया, और अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के साथी के रूप में काम कर रहे हैं। हमीरपुर वालों, दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो ऐसा सांसद नहीं मिलेगा, याद रखना मेरी बात। जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र की चिंता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और विशेषकर देश भर के युवाओं को भाजपा के साथ लामबंद करने का काम हमारे अनुराग ठाकुर ने किया। खेल के क्षेत्र में भी अनुराग जी का बहुत बड़ा योगदान है, जतन कर रखना, बहुत बड़ा नेता आपके पास भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। हमीरपुर वालों, आज हमीरपुर का भर भर कर विकास हुआ। वैसे भी मोदी जी
हिमाचल के लिए कुछ ज्यादा ही लगाव रखते हैं। हिमालय हिमाचल पर मोदी जी का बड़ा प्यार है भाइयों, बड़ा प्यार है। कई बार तो हमारे गुजरात वालों को ईर्ष्या होती है कि मोदी जी गुजरात के हैं या हिमाचल के, इतना प्यार करते हैं। और अनुराग जी ने भी बड़े प्लानिंग के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। 10,000 करोड़ से किरतपुर नहर चौक फोर लेन रोड, 1300 करोड़ से हमीरपुर मंडी खंड का चौड़ीकरण, 1200 करोड़ से हमीरपुर धर्मपुर मंडी हाईवे, 870 करोड़ से लठियाणी मनली पुल बनाया, 350 करोड़ से कंदोर हमीरपुर का चौड़ीकरण, 1000 करोड़ से बिलासपुर लेह रेलवे लाइन, 2000 करोड़ से बल्क ड्रग पार्क लाकर पूरे हिमाचल का विकास का काम, 1500 करोड़ से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर, जोलसप्पड़ में नई मेडिकल कॉलेज, देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT ऊना में, बिलासपुर में पूरे देश का एकमात्र हाइड्रो इंजीनियरिंग का कॉलेज बनाने का काम किया, और 66 मेगावाट का धोला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसके साथ साथ IOCL ऊना में IOCL का डेपो बनाने का काम किया। शायद ही हमीरपुर लोकसभा बहुत छोटी है, देश में बड़ी बड़ी लोकसभाएं हैं, मगर हमीरपुर जितना काम मित्रों कहीं नहीं हुआ, कहीं नहीं। ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद और नीचे अनुराग का प्लानिंग, इसने पूरे हमीरपुर के साथ साथ हिमाचल के विकास को गति देने का काम किया है। भाइयों बहनों, इस सारे काम के कारण अनुराग को वोट मत दीजिएगा, मैं कहता हूं मत दीजिएगा। अनुराग को वोट देना है, मगर ये सब काम और पीछे भी मैं गिनाता हूं, इसके कारण वोट मत दीजिएगा। मुझे बताइए पहले, हिमाचल वालों, यहां से घर घर से सेना में जवान जाता है, मुझे बताओ पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता हमें डराते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे देवभूमि में, वीरभूमि में कहकर जाता हूं राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर, डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। क्या डराते हो राहुल? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरते। आप संसद में भी डराते थे कि धारा 370 जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने
इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। राहुल बाबा, आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आप कुछ नहीं करते। मोदी जी के समय में भी हुआ, उरी और पुलवामा में हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम। तब से लेकर ये आतंकवादी धमाका करना बंद करे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का काम किया है। और मैं आज बताता हूं, इंदिरा गांधी के जमाने से देवभूमि वीर भूमि के रिटायर्ड सेना के जवान, सर्विंग सेना के जवान, उनके परिवार वन रैंक वन पेंशन मांगते थे। राहुल बाबा आपने नहीं दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही 1,20,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में ट्रांसफर। वन रैंक वन पेंशन, ये सिर्फ पैसा मिलने का सवाल नहीं है। जो व्यक्ति, जो जवान अपने जीवन का सुवर्ण काल 33 डिग्री से -43 डिग्री में निकालता है, उसके सम्मान का सवाल है जो नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। ये राहुल बाबा और उनकी बहन शिमले में छुट्टियां मनाने तो आते हैं, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए मालूम है माताओं बहनों? क्यों नहीं गए? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। हिमाचल वालों, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है? आप नहीं हो, ये रोहिंग्या घुसपैठी है उनकी वोट बैंक है। रोहिंग्या घुसपैठी, उनसे डर कर नहीं गए। मुझे बताओ आप हमीरपुर वालों, जो राम की प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, इसके साथ हिमाचल रह सकता है क्या? जोर से बोले, रह सकता है क्या? मुझे तो कई बार समझ में नहीं आता ये चुनाव कैसे। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। परंतु आप मुझे बताओ, भगवान न करे एक मिनट के लिए सोचो, ये जीत जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई है? कोई नाम है भाई? मैं एक एक कर पूछता हूं, शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? देखो अब हंसना मत, हाँ बहने आप भी हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हैं बोलो? हंसने का मना किया था। इनके पास प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा उनको, आपका प्रधानमंत्री कौन? तो उन्होंने जवाब दिया, बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेगा। हमीरपुर वालों, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का देश है। राहुल बाबा ऐसे नहीं चलता। मुझे बताओ,
ये बारी बारी प्रधानमंत्री का फॉर्मूला आया तो कोई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? भाइयों बहनों, कोरोना जैसी महामारी का सामना कौन कर सकता है? चंद्र पर चंद्रयान कौन पहुंचा सकता है? युवाओं को स्टार्टअप से आगे कौन बढ़ा सकता है? 60 करोड़ गरीबों को घर में उजाला कौन पहुंचा सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? अगर सभी कुछ मोदी जी कर सकते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? जोर से बोलो, कौन बनना चाहिए? भाइयों बहनों, ये 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार कर देश का प्रधानमंत्री बनने निकले भाई, पूरी दुनिया आपको जानती है। 10 साल में आपने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किए। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, 25 पैसे का आरोप भी नरेंद्र मोदी पर नहीं लगा। ये थोड़ा गर्मी बढ़ती है, ये राहुल बाबा बैंकॉक थाईलैंड चले जाते छुट्टी में। आप लिख कर रखना, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने इनका 6 तारीख का कार्यक्रम भेजा है, काउंटिंग समाप्त 4 को, 6 को राहुल बाबा बैंकॉक के लिए रवाना। भाइयों बहनों, एक और हर 6 महीने में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है तो दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में पूरा देश, मैं हर जगह पूछता हूं कौन प्रधानमंत्री बनेगा, एक ही जवाब आता है, मोदी 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 मोदी। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह भारत माता की। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पहाड़ हो या सागर किनारा, जंगल हो या शहर, गांव हो या ढाणी हो, हर जगह मोदी का ही जवाब मिलता है। और ये कांग्रेस वालों को यहाँ के मुख्यमंत्री की वादा खिलाफ ही महिलाओं को 1500 रुपया देना था, मिला क्या? जोर से बोलना, मिला क्या? 5 लाख नौकरी में से 2 लाख मिल जानी थी, मिली क्या? 300 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। गाय का गोबर 2 रुपये किलो खरीदने वाले थे, खरीदते हैं। 100 रुपये लीटर दूध खरीदने वाले थे, लेते हैं। हर गांव में मुफ्त इलाज हो रहा है भाई, और ये वादा खिलाफी करने वाले, घोटाला बाजी करने वाले, ताला लगाने वाले, सिर्फ हमीरपुर में स्वारघाट, बलसिना, लंबलू 3 कॉलेज बंद कर दिए, 1.5 साल में बंद कर दिए। भाई सरकारें कॉलेज खुलवाने के लिए होती है या बंद करने के लिए, मैं पूछना चाहता हूं। पर अनुराग जी कहते थे कि अमित भाई और मोदी ने 1700 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा, 3200 करोड़ रुपया भेजा है भैया, 3200। मगर ये सारा पैसा सरकार बचाने में ये चाउ कर दिए, भ्रष्टाचार कर दिए। आप मेरी बात मुख्यमंत्री जी सुनकर चलो। हमारे साथ तो जो साथी आए उन्होंने इस्तीफा दिया है लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर, और मोदी जी का नेतृत्व स्वीकारा है,
जनता उनको फिर से चुनने वाली है और ये छह साथी चुनते ही आपकी सरकार कडडडभूस होने वाली। भाइयों बहनों, हिमाचल के अंदर ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल का उद्घाटन किया, पर्वतमाला परियोजना, ग्राम सड़क परियोजना, रेलवे में 1600% की वृद्धि, उड़ान में बद्दी संजोली में हेलीपोर्ट और नया एयरपोर्ट, IIM सिरमौर में और स्मार्ट सिटी में ढेर सारे काम 10,000 करोड़ के, और हमारे हमीरपुर में अकेले 7,65,000 आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, 83,000 माताओं को गैस का सिलेंडर, 1,66,000 घरों में शौचालय और 5,66,000 किसानों को 6,000 रुपया और चिंतपूर्णी माता के धाम को 25 करोड़ रुपया देकर प्रसाद योजना में लेने। मोदी जी ने ढेर सारे, मेरे पास लंबी सूची है, ये अनुराग बताता होगा, मैं इसमें ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता, सूची इतनी लंबी है पूरी पढ़ने जाओ तो मुझे भी भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, इतनी लंबी सूची। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है, सुनो सुनो, सुनो, सुनो। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का विकास किया है, मगर देश का विकास 100% किया है, हिमाचल का 150% विकास करने का काम नरेंद्र। आज इस सभा के माध्यम से ये वीर भूमि देव भूमि के सभी मतदाताओं को मैं अपील करने आया हूं, हमारे 4 सांसद और 6 विधायक चुनाव के मैदान में है, आपका आशीर्वाद दीजिए और फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करिए। तो मुझे बताओ हमीरपुर वालों, आप सभी लोग भाई अनुराग को जिताओगे क्या? हमारे तीनों विधानसभा प्रत्याशियों को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपके ओजस्वी वचनों से हमीरपुर क्षेत्र की जनता